तो यार मेरा कॉलेज तो खत्म हो गया, लेकिन मेरे जो ऑनलाइन वाले चोचले अभी तक चल ही रहे हैं। तो यार आज ना मेरे कॉलेज का वो क्या लिखा हुआ है, ये कॉन्क्लूडिंग सेरेमनी है, मैं आपको दिखा दूँ, दिख रहा है? तो ये दो चार हमारे टीचर्स के चेहरे हिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और ये चल रहा है आज। सो गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड लास्ट के बस ये दो इवेंट बचे हैं, एक कॉन्क्लूडिंग सेरेमनी जिसमें हमारे प्रिय टीचर्स का चेहरा देख सकते हैं, और एक जो हमारा कॉन्वोकेशन होगा। अब धप्पा जो ये कर दिया है कि हमारा कॉन्वोकेशन है वो ऑनलाइन कर दिया भाई साहब। 185 बच्चे हैं इसमें, मतलब कुछ टीचर्स होंगे लगभग, ये 150 से ऊपर बच्चों को लपेट रखा है यार इन्होंने, बताओ। अभी सुनते हैं क्या बोल रही है आंटी। So I think if the people, if the other general students have joined, we can start without wasting any time. Yes. ये क्या बदतमीजी है, मतलब इन्होंने मीटिंग कर दी, एक वो एक बना हुआ तो उसमें तीन मीटिंग चालू कर दी अलग अलग टीचर ने आगे, कुछ उसमें चले गए, कुछ किसी में, कुछ किसी में। अब बताओ उनको कैसे पता लगे, बेचारे वो तो वेट कर रहे हैं, और ये कह रही विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चालू कर देते हैं। बताओ बताओ, ऐसे ऐसे मिसबिहेव करते हैं। खत्म हो गया हमारा एमिटी का सफर भाई साहब। बच्चे इतने भावुक हो गए इसके नाम पे, मतलब कि बोला कि भाई कॉन्क्लूडिंग सेरेमनी है, कॉन्क्लूडिंग सेरेमनी है, कॉल होएगी। तो बच्चे ग्रुप के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ये बेचारे बेचारे तो क्या ही बोलूं कि फॉर्मल्स पहन के बैठे क्या, अच्छे से ड्रेस पहन के बैठे क्या, मतलब हद हो गई यार। आज तक क्लास में जो प्रेजेंटेशन हुई वो तो बनियान में दी है, बनियान मतलब सैंडो यार, हाँ उसमें दी है। इसके लिए तैयार होकर बैठे फॉर्मल पहन के। जी हाँ जरूर। Slides also, na? We've given you the slides also. Hello? इनकी इनकी आपस में ही नहीं मिल रही, किसी का भू भू करी जा रहा है भाई। अरे अरे सत्तू सर, फोटो खींचना जल्दी जल्दी जल्दी, कोई और बोले नहीं। ऊपर देखो सर, आइए। ओ शिट भाई, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे टीचर के साथ खेल रहे हैं, बेचारी मैम बोली जा रही है, उनका माइक ही म्यूट कर दिया। शिट भाई शिट, इससे बुरा कुछ नहीं होता भाई। एडवांस लेवल देख रहे हो, लेवल देख रहे हो टीचर्स का, पीछे मतलब वो यूज किया वर्चुअल बैकग्राउंड। वर्चुअल होता है क्या होता है, जो भी है नकली पीछे बैकग्राउंड भाई, तुम देखो यार। सिर्फ एक ही हमारे टीचर है सत्तू सर जो जेन्युइन है, जिन्होंने भाई साहब पीछे कुछ यूज नहीं करा, अपना घर का पंखा दिखा रहे हैं। देखो पीछे बैकग्राउंड देखो, नकली है ये, देखो पीछे बाल कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, ये मैम का बैकग्राउंड देखो। हमारे जेन्युइन सर सिर्फ एक ही हैं जिन्होंने अपना घर का लगा रखा है सिस्टम सारा, बाकी देखो इनके तो सर ही गोल होगा बिल्कुल ही, ऐसा लग रहा है नकली रख रखा है। लेकिन इनको देखो भाई पूरा ब्लर मार दिया, पीछे कुछ दिखे नहीं, पर्दा नीला पर्दा दिख रहा है, फिर भी ऐसा कुछ चल रहा है। वो देखो कितने कितने बच्चे, 215 भाई साहब। Your program leaders, the faculty members, and my dear students, a very good morning. On behalf of management, faculty, and staff, it's my pleasure to heartily welcome you to the concluding ceremony of MSc students and BSc students of 2016-18 and 2000. MSc students and BSc students. I would like to extend my sincere gratitude. Where we could nurture your potential and inculcate the confidence of moving ahead in life. भारी शब्दों का प्रयोग भाई साहब, इनकलकेट पता नहीं क्या होता है, ये मुझे लग रहा है हमारी कॉन्वोकेशन भी ऐसे करवा देंगे। वन टाइम होती है अपॉर्चुनिटी है, अब हर कोई थोड़ी होता तो बार बार पढ़ाई करेगा आगे। किसी ने भाई साहब जस्ट घर वालों ने कह दी, या फिर मान लो ऐसे सोसाइटी के प्रेशर में कर रहा है भाई, जब तक तुम ग्रेजुएशन नहीं होगी, तुम्हारे पास BA BA BSc ये सब डिग्री नहीं होगी, तुम्हें लड़की नहीं देंगे कोई, उस हिसाब से कोई कर रहा है, वो आगे MSc थोड़ी ना करेगा, वो उसके लिए तो वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, वो ही तुम खराब कर दो। बताओ अभी ये हमारा नहीं चल रहा है, तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ जब हमारी बारी आएगी, जब तुम्हारे भाई का नाम बोला जाएगा तब बात करेंगे, तब बात करेंगे। अभी सुन लेते हैं क्या है, हम भी देख लेते हैं कौन कौन बच्चे हैं कॉलेज में, सबका देख लेते हैं। अभी MSc वालों का चल रहा है, BSc वालों का बाद में आएगा, हम अभी छोटे हैं ना, जूनियर फर्स्ट
फाइनली ग्रेजुएटेड यार, लेकिन अभी तब जब तक फोटो नहीं आएगा ना यहाँ पे तब तक तसल्ली नहीं होगी मेरे को, अभी देखूंगा। काउंट्स द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी ऑनर्स फिजिक्स 2020 पास आउट बैच। बंदों ने मतलब अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाई हुई है, उसी की फोटो खींच के भेज दी, कमाल हो गया भाई। नागपाल, ऋषभ गुलेरिया, सुनील बेनीवाल। ओ माय गॉड, 3 साल में पास हो गए, थैंक यू एवरीवन। पता नहीं मेरी आवाज गई है नहीं, शिट ब्रो। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी ऑनर्स फिजिक्स 2020 पास आउट बैच, थैंक यू अगेन, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आपके बिना पॉसिबल ही नहीं था सर, सर आपके बिना पॉसिबल ही नहीं था सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल बीएससी ऑनर्स फिजिक्स स्टूडेंट्स। टीचर्स को तो समझ ही नहीं आया होगा कि ये क्या है, क्योंकि टीचर इंस्टाग्राम पे नहीं है। अभी देखो मैं खतरनाक वाली चीज करने वाला, माइक अनम्यूट करके कुछ चलाऊंगा मैं। परेशान करने के तो हमें एक लिंक मिला था जिसमें कि हमें फ़ोटो भेजनी थी हमारी, जो कि अभी जो दिखाया उसमें लगनी थी, बट मैं भेजने में लेट हो गया। वो शाम को 6 बजे तक भेजनी थी, मैंने रात को भेजी, तो वो तब तक मेरे ख्याल में सबने स्लाइड्स तैयार कर दी थी, तो उसमें मैं लेट हो गया। तो मेरी जो आई कार्ड में फ़ोटो है ना यार, वो वाली लगा के आ गई, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बट कोई बात नहीं, आप लोग जो देखोगे मेरी वाली फ़ोटो देखोगे जो मैंने भेजी थी, एकदम मॉडल वाली फ़ोटो भेजी थी मैंने। सो गाइस, माई जर्नी ऑफ MAT केम टू एन एंड, एंड इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी टू बी ऑनेस्ट। काफ़ी मज़ा भी आया एंड काफ़ी मुश्किलों का सामना भी मुझे करना पड़ा, बट जो भी था ओवरऑल एक बहुत बहुत ही अच्छा वाला एक्सपीरियंस था। बहुत मज़ा किया मैंने कॉलेज लाइफ का अपना, एंड बहुत सारी बातें मुझे अभी भी शेयर करनी है जो कि मैं आफ्टर डिग्री मेरे हाथ में हो गया उसके बाद करूँगा। तो इस वीडियो को लंबा नहीं खींचो, मुझे बस ये सेरेमनी रिकॉर्ड करनी थी अपनी जो मैंने कर ली। एंड गाइज, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं पास हो गया फाइनली। मैं दिखा भी दूँगा आपको वैसा मेरी डिग्री जो मिली मेरे को। सो गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग, एंड इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो गिव मी अ थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।